मुनव्वर फारूकी से एक्सपेक्टेशंस, बिग बॉस हाउस का जर्रा जर्रा, वो कौवा वो मंकी, इस घर का एक एक कोना मुनव्वर फारूकी से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखता है। अब बात यहाँ पे करते हैं सबसे पहले मनारा की, कि मनारा की एक्सपेक्टेशंस है मुनव्वर फारूकी से। मनारा चोपड़ा वही ना जिन्होंने मुनव्वर फारूकी की एज शेमिंग की थी, बॉडी शेमिंग की थी, वही ना जो 4 मिलियन वाले राइडर भैया जो है उनके साथ मिलके मुनव्वर फारूकी का मजाक उड़ाती थी। क्योंकि उस वक्त मनारा चोपड़ा की जो प्रायोरिटी थी ना वो थे राइडर भैया। राइडर भैया ही थे ना जिनको उन्होंने हार्ट दिया था, राइडर भैया ही थे ना जिनको उन्होंने नॉमिनेशन के लिए बुलाया था वो मेंटक वाले टास्क में, जिस दिन मनारा चोपड़ा का मोए हुआ था, वही ना, वही, या एग्जैक्टली। तो मनारा चोपड़ा की प्रायोरिटी थे राइडर भैया। 4 मिलियन नहीं कह रही यार, राइडर भैया एक इंसान है, 4 मिलियन नहीं है। बिग बॉस हाउस की यूनिवर्स में, जो बिग बॉस हाउस की यूनिवर्स है ना, इसका जर्रा जर्रा कोना कोना मुनव्वर फारूकी से एक्सपेक्टेशंस रखता है। इस घर का हर कंटेस्टेंट मुनव्वर फारूकी से एक्सपेक्टेशंस रखता है। वही मनारा चोपड़ा की बात करें कि उनको मुनव्वर फारूकी से एक्सपेक्टेशंस है कि मुनव्वर जो है ना उनको कैप्टन बनाने में उनकी हेल्प नहीं करते। ये वही मनारा चोपड़ा है जो कैप्टनसी टास्क में ना मुनव्वर को जाके कुछ इस तरह से कन्विंस करिए कि मैं तुझे नॉमिनेट कर सकती हूँ, एलिमिनेट नहीं। विमेन मतलब यार भाई यार, अब इस बंदी का मैं क्या ही बोलूं, घर की बेटी है और वो भी स्पॉइल्ड ब्रेड। अब स्पॉइल्ड ब्रेड का नाम तो सलमान सर ने खुद ही दे दिया है ना, तो एक घर की स्पॉइल्ड ब्रेड बेटी है तो अब बेटी जो है वो फेवरेट है और बिगड़ी हुई है थोड़ी सी। तो भाई यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रख सकती है, और अगर आप इनके एक्सपेक्टेशन पूरे नहीं उतरेंगे ना तो ये बिग बॉस के हर कोने के हर कैमरे पे जाकर जो है ना आपकी शिकायत करिए। और उसके बाद क्या होगा, जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में बताया था ना कि कोर्टरूम टास्क क्यों लगा था, बेटी ने आइडिया दिया था कि अब आपने ये करना है डैडी, और डैडी बिग बॉस ने कर दिया था। तो अब यहाँ पे उसके बाद बात होती है अंकिता, घर की बहू। घर की बहू को एक्सपेक्टेशन है मुनव्वर फारूकी से, लेकिन घर की बहू जो है ना वो कोई मौका नहीं छोड़ती मुनव्वर फारूकी से फ्रेंडशिप में बैक स्टेप लेने का। जब भी मुनव्वर फारूकी किसी और के लिए थोड़ा सा भी स्टैंड ले लेगा तो वही अंकिता कहती है देख मेरा ना बस हो गया, अब मैं बैक स्टेप ले रही हूँ, देख मुन्ना मेरा फ्रेंड है लेकिन मैं बैक स्टेप लूंगी। वही अंकिता 10 लोग के साथ मिलकर बैठी कहती मुन्ना का कोई गेम नहीं है, देख जो किया मैंने किया, उसने मेरे लिए क्या किया। वही अंकिता लोखंडे को भी एक्सपेक्टेशन है मुनव्वर फारूकी से। अच्छा चलो यार, यहाँ तक तो बात समझ में आती है, लेकिन अब बात करते हैं आयशा खान की। आयशा खान जी वही जो नेशनल टेलीविजन पर आकर बोलती है कि भाई इस बंदे ने मेरा दिल तोड़ा, आउच, मुनव्वर फारूकी ने आपका दिल तोड़ा, और उसके बाद आपको एक्सपेक्टेशन ये है कि मुनव्वर फारूकी आपको कैप्टन बनाएंगे। मतलब कुछ भी, मैं मुनव्वर की शक्ल भी नहीं देखना चाहती, वो ऐसा ही है, इमोशनलेस इंसान। वही आयशा जो नेशनल टेलीविजन पर ये बोलकर आई है कि ये बंदे का पैटर्न है लड़कियों के साथ एंड ऑल, वही आयशा की एक्सपेक्टेशन ये है कि मुनव्वर की प्रायोरिटी लिस्ट में आयशा नहीं है। वाह विमेन। अब यहाँ पे ना 300 की क्रिएटिव्स की टीम है, 300 क्रिएटिव्स की टीम्स को भी एक्सपेक्टेशन है तो मुनव्वर फारूकी से। मुनव्वर फारूकी जिन्होंने घर में भी पहला कदम रखा था तो उनके ऊपर रख दी गई मनारा चोपड़ा कि भाई आपने इनको संभालना है, और अगर आपने हमारी बेटी का दिल तोड़ा तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। बिल्कुल रिवायती ससुरालियों की तरह वो मुनव्वर में अपना हक जमाते रहे। अब यही मेकर्स जो इतनी एक्सपेक्टेशन मुनव्वर फारूकी से रखते हैं कि हर हफ्ते का वीकेंड गवार मुनव्वर फारूकी के नाम होता है, फिर चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मुशायरा हो तो मुनव्वर ने करना है, कोई शो हो तो मुनव्वर ने करना है, संचालन हो तो मुनव्वर ने करना है, और इसके साथ साथ मुनव्वर पे टॉन्ट भी मारते रहना है। मुनव्वर आप विकी भैया के साथ बैठे हैं तो आप मुंशी लग रहे हैं, मुनव्वर आप अभिषेक के साथ बैठे हैं तो बॉस ही लग रहे हैं, और मुनव्वर आप हमारी मनारा के साथ नहीं बैठ रहे तो आप हमें बहुत ही जहर लग रहे हैं, राइट। और वही मेकर्स जो है एक्सपेक्टेशंस रखते हैं मुनव्वर फारूकी से, लेकिन वो मुनव्वर की पर्सनल लाइफ, उसकी बेडरूम की लाइफ को भी जो है लाके रख देते हैं नेशनल टेलीविजन पे, लेकिन उनके एक्सपेक्टेशंस है कि नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रही। क्योंकि मुनव्वर तो मुनव्वर थोड़ी हो, तुम कोई इंसान थोड़ी हो, तुम तो टीआरपी हो मेकर्स के लिए, तुम एक टीआरपी की सोर्स हो, और इसके साथ साथ घर के कंटेस्टेंट्स के लिए तुम वोटिंग का एक बहुत बेहतरीन जरिया हो। तुमसे बना के रखेंगे और उसके बाद वोट्स लेंगे, और उसके बाद मुनव्वर तुम्हारी बुराई भी करेंगे और तुम्हें जीरो भी कहेंगे, क्योंकि तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारा नाम नहीं लेंगे, तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे व्यूज नहीं आएंगे। तो यहाँ पे बिग बॉस की जो यूनिवर्स मुनव्वर से जो एक्सपेक्टेशन लगाकर बैठी हुई है, तो भाई हमारा भी थोड़ा सा हक बनता है मुनव्वर से एक्सपेक्टेशन लगाने का कि मुनव्वर अब इतनी सारी एक्सपेक्टेशन में एक एक्सपेक्टेशन याद रखना कि ट्रॉफी जीत कर आना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना। थैंक यू सो मच, बाय।